वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको एक कहानी लेकर आई हूँ, आपको सुनाने वाली हूँ कहानी धर्मा और कमली की। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी। चलिए सुनाती हूँ मैं आपको कहानी। एक छोटे से गांव में धर्मा और उनकी पत्नी कमली रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। वे दोनों कड़ी मेहनत और मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। बहुत समय के बाद कमली ने एक बेटे को जन्म दिया। बड़े लाड़ दुलार से उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण किया। वे दोनों आधी आधी रोटी खाकर बेटे को भर पेट खिलाते थे और धर्मा ने अपने बेटे का नाम पवन रखा था। अब माता पिता पवन पवन करते नहीं थकते थे। पवन अब 3 साल का हो गया था। माँ पवन पवन चिल्लाती, पर पवन बच्चों के साथ खेल कूद में मस्त रहता। एक दिन धर्मा दहलीज पर बैठा सोच रहा था, क्यों ना मैं पवन को स्कूल भेजूं? पर फिर मन में सोचता, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? धर्मा को सोच में बैठा हुआ देखकर कमली ने पूछा, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था, जिस प्रकार हम अनपढ़ रहकर हर बातों से अनजान हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी अनपढ़ रह जाए। पर पैसा कहाँ से लाऊं? इसे सुनकर कमली झट से अंदर जाती है और अपने गहने और बचाए हुए रुपए धर्मा के हाथ पर रख देती है और बोलती है, हमारा बेटा पढ़ लिख कर लायक बनेगा तो गहने तो फिर भी बन जाएंगे। धर्मा को साहस और हिम्मत मिल गई और वह बेटे पवन को स्कूल में दाखिला करा दिया। उसने अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करा दिया। धीरे धीरे पवन पढ़ाई करने लगा, समय बीतने लगा और एक दिन पवन बड़े अफसर बन गया। अब माता पिता का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अब माता पिता बूढ़े हो रहे थे। एक दिन पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टर ने बताया कि वे गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। अगर आप इनकी ठीक तरीके से देखभाल नहीं करोगे तो ये अगर आप ठीक तरीके से देखभाल करोगे तो ये ठीक हो जाएंगे। अब धर्मा मन ही मन सोच रहे थे, क्यों ना मैं अपने सामने ही पवन की शादी कर दूं, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है। देर ना करते हुए धर्मा ने बेटे की शादी अनु नाम की लड़की से तय कर दी। अनु और पवन की शादी हो गई और पवन के माता पिता बहुत खुश हुए, मगर ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। अनु अपने सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अनु पति के बाहर जाने के बाद उठक पटक मचाती और इधर से उधर घूम घूम कर सास ससुर को खरी खोटी सुनाती थी। बहू का ये व्यवहार देखकर धर्मा बहुत दुखी होते। एक दिन पवन और अनु ने मिलकर एक योजना बनाई। आधी रात का समय था। अनु और पवन ने एक गड्ढा खोदा। अनु का भी एक बेटा था जो 5 साल का हो चुका था। अब वो सारी योजना देख रहा था
अचानक पवन का बेटा रामू दौड़कर खुदाली ले आया। उसे उस खुदे हुए गड्ढे के पास रामू ने भी गड्ढा खोदना शुरू किया। अनु और पवन ने पूछा, बेटा तुम क्यों गड्ढा खोद रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, जब आप कल बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी गड्ढे में दबा दूंगा। पोते की बात दादा दादी चुपकर सुन रहे थे और उन्होंने पोते रामू को गले से लगा लिया। अब अनु और पवन भी अपने किए पर पछता रहे थे। दादा दादी ने सब कुछ अपने पोते के नाम कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस कहानी को अच्छे से सुनना, पढ़ना और अमल करना। इसी लाइनों के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।